जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। और ये है 18 जुलाई की सुबह का टाइम, और सुबह सुबह 5 बजे का जो व्यू होता है वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। बहुत ही खूबसूरत सा गांव का नज़ारा होता है सुबह सुबह, और एक सुकून भरी नींद आती है सबको। शर्मा जी सोए थे बाहर, तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया, मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ कितना अच्छा व्यू है। और ये मनी प्लांट कितनी ज़्यादा फैल चुकी है, और देखकर सावन का जब महीना शुरू होने वाला है तो कितना अच्छा लगता है। और मैं शुरू हो गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ का अपने छोटे मोटे जो काम होते हैं ना खुद के लिए, जैसे पानी वानी पीना, और उसके बाद में उसका काम यही रहता है कि वो अपने घर की क्लीनिंग करनी स्टार्ट कर देती है। तो मैंने भी बस अपनी झाड़ू उठा ली है और शुरू हो गई हूँ। और झाड़ू की आवाज़ सुन करके देखो, शर्मा जी ने अपना करा अग्रवस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती मूलो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम, यह करना स्टार्ट कर दिया है। और हम, जैसे मैं भी शर्मा जी भी, हम जब भी उठते हैं सुबह तो उठते ही यह काम जरूर करते हैं। इसके करने से बहुत अच्छी हमारी जो लाइफ है ना उसमें पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो बस ये करने के बाद में मैं लेके आ गई हूँ पानी, और दोनों बैठ करके पहले सुकून के साथ, वैसे मैंने एक बार यहाँ पर सुबह सुबह उठते ही पानी पी लिया था, लेकिन शर्मा जी के साथ में एक बार जब जग में एक गिलास बच गया मैंने वो भी पी लिया। मेरी यही आदत है, मैं जब किसी को पानी वानी पकड़ाती हूँ तो जब बचा होता है ना वो पानी भी मेरे बाद में मैं खुद पी लेती हूँ, इससे एक्स्ट्रा पानी पिया जाता है। और यहाँ पर देखिए झाड़ू लगाने के बाद में कितना क्लीन लग रहा है ना, अच्छा अच्छा लगता है पीछे मुड़ के जब देखते हैं झाड़ू लगाने के बाद। और अंदर जो बारिश हुई थी ना वो अभी तक नहीं सूखी है, और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ 19 जुलाई को, तो पूरी रात बारिश हुई थी 18 को, तो बहुत गीला फिर से हो गया। ये पहले वाला सूखा नहीं था, उससे पहले फिर से गीला हो गया है। और यहाँ पर बच्चे सोए हैं, नैनी उठ गई है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने अंदर से भी झाड़ू निकाल ली थी, लेकिन बस ये है कि देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये गीला है ना, अंदर ये सूख ही नहीं रहा, और ऊपर से आज फिर से बारिश हो गई, रात को फिर से हुई थी ना, जैसे 18 जुलाई की मॉर्निंग का व्यू था ये, और 18 जुलाई रात को फिर से हो गई थी। और यहाँ सारा क्लीन करके गई हूँ, सब कुछ यहाँ से हटा दिया है जो एक्स्ट्रा सामान होता है, और सब डस्टिंग वगैरह जो होती है वो मैंने कर ली है टेबल की और गैस की। ज़्यादातर मतलब क्लीनिंग जो होती ना जितनी मेरी इस राम कुटिया में हो सकती है उतनी मैंने कर ली है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब, और बताना ज़रूर कैसे हैं। और सुबह के 7 बजे हैं, बस झाड़ू का मतलब क्लीनिंग का काम फिनिश हुआ है अभी, वो 2-4 बर्तन हैं, एक तो लेट नाइट जिसमें दूध गर्म होता है वो, और 2-3 गिलास जो हमने अभी पानी वानी पिया वो, तो वो सब साफ़ करने हैं। उसके बाद में मेरे को नहाना है, बच्चे उठे नहीं हैं, नैनी उठी है बस, सिवांश नहीं उठा अभी। क्या मम्मी घास पाड़ना है? मम्मी कह रही घास पाड़ना है, पराना है पछनाड़ना है, पहले घास पाड़ना है। तो उधर घास भी, इसमें मूँगफली में घास निकल गया ना, 2-3 दिन पहले भी मेरा एक वीडियो गया था उसमें मैंने बताया था। और धूप देखो, सूरज देवता 7 बजे ही एकदम सिर के ऊपर आके बैठ गए। अच्छा तपी ही देख लो। और मम्मी आई है मंदिर साफ कर लो जी। शिवांश बैठ गया, शिवांश गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग, जासू शुकड़ के आ जा, नोजी पे पहुंची हो। नहीं दिखाऊंगी मैं कैमरे में, नहीं दिखाऊंगी, करिया इधर मुंह कर लिया मैंने वो या तो खेत में चला जाता है, लेकिन आज जा रहा है बाथरूम में अंदर, उसको लग रहा है जैसे मम्मी कैमरे में दिखा देगी। तो चलिए जी, व्लॉग की स्टार्टिंग हुई है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सुबह का टाइम है तो एकदम पूरे चेहरे पे ऑयल आ रखा है, एक बार फेस वॉश कर लेती हूँ फटाफट से, फिर करेंगे काम आगे। एक बार उठते ही किया था, लेकिन जब सारा काम किया ना तो अब दोबारा से मिट्टी जम गई मुँह पर, और पसीने आ करके दोबारा से ऐसे ऑयली ऑयली सी लग रही है स्किन, चिपचिपी चिपचिपी। मुँह धो ले, मुँह धोते ही ना एकदम पानी से धोया, खाली फेस वॉश वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया अभी सुबह, फिर भी एकदम ऑयल उतरने के बाद में चेहरे पे अलग ही दिख रहा है कि हाँ, नहीं तो एकदम चिकना चिकना सा ऐसा अजीब सा ही हो गया था। तो चलिए अब कर लेते हैं काम, पहले बच्चों को दूध दे देती हूँ, बच्चे उठ गए, दूध पी के थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी उनमें, फिर थोड़ी बहुत देर में मम्मी डांटती रहती है मेरे को यानी कि उतारी तो थी कट रहेगी, हाँ यह रहेगी पाइप करें मशीन लफन पकड़ के उतारी थी, फिर भी रहेगी। अच्छा, हाँ
तारी ही सुबह से गड़ी फिर आए पे भी बात की मारी दरी माटी ना जमे तो आप लोगों का कमेंट आए थे कि इस मशीन को ना उठा के रख दो, तो आज इसको उठा के रख दो, मतलब आप लोगों ने ऐसे नहीं कहा था, आपने कहा था छाया में रखो, धूप में और बारिश में है, तो इसको उठा के ना अंदर रख ही देंगे बस, अब यूँ है हाथ से धुल जाएंगे कपड़े, सर्दियों में ज़रूरत पड़ेगी, सर्दियों में देखेंगे कुछ इसका अरेंजमेंट अच्छे से करेंगे जब निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको ऊपर जो रूम है ना उसमें शिफ्ट करवा देती हूँ। और दोनों बच्चे उठते ही उधर वाले घर चले गए थे, तो मैंने दोनों का दूध गर्म करके उधर ही लेके चली गई, क्योंकि वो ज़्यादातर बिट्टू के साथ खेलते हैं और बिट्टू की तबीयत ख़राब है तो वो वहाँ लेटा है, तो दोनों वहाँ गए, तो मैंने फटाफट से दूध गर्म किया, मैं वहीं दे के आ गई, बिट्टू पिला देगा मतलब बोल देगा उनको, वो पी लेंगे वहाँ बैठ के। और यहाँ पर देखिए क्या कुछ काम हो चुका है, अंदर झाड़ू भाभी लगा रही थी और बाहर की लग चुकी है मिट्टी वाली सारी, और राखी लगी है घर के बाहर जो ये है ना बरामदा जो है इसमें लगाने के लिए, और दोनों माँ बेटी मिल करके ये इनको घंटा भर लग जाता है पूरा घर क्लीन करने में। इधर भी बहुत सारा काम होता है यार, बहुत बड़ा घर है ना तो बहुत टाइम लगता है, और यहाँ पर हम दोनों माँ बेटी आपस में डिस्कस कर रहे हैं, सब्जियाँ देख रहे हैं और बस बातचीत चल रही है। पेड़ है ये, मैंने राजमा लगाए थे यहाँ पे, एक ये उगने वाला है, एक वो रहा, एक ये रहा, बहुत सारे लगाए हैं, तो राजमा लगेंगे अब और देखते हैं। मैं फर्स्ट टाइम मैंने ये ट्रायल करके देखा था, मेरे पास है ना राजमा रखे थे, तो मैंने एक बार ऐसे ही ट्रायल बेस पे लगा दिए, देखो एक ये उग रहा। अब जो भी होगा जैसे भी लगेंगे ये देखेंगे आगे, इसमें मिट्टी लगा देते हैं। और ये पालक इतना बड़ा हो गया है, और आप में से ना कई लोगों ने कमेंट किया था इसके ऊपर ना ये सूल क्यों रखी हुई है, तो सूल रखने का ये कारण है कि रात को ना जैसे डोगी आते हैं ना खेत में तो वो इसमें बैठ जाते हैं आके, उनको अच्छा लगता है, इसमें पानी दिया रहता है तो ठंडा ठंडा लगता है, और वैसे भी ना इसी में आके ज़्यादा बैठते हैं, मतलब पूरे खेत को छोड़ के यहाँ इस क्यारी में आके बैठेंगे। तो ये जब लगाया था ना उसके 2-3 दिन तक, मतलब जब ये उगा नहीं था, वो डोगी बैठ रहे थे, तो फिर नैनी के पापा ने जाके ये कांटे ला के रख दिए इसके ऊपर कि वो डोगी ना ख़राब नहीं करेंगे। और भी कुछ कुछ उगाया है वो भी दिखाती हूँ आपको, मेथी लगा दी, उगी नहीं है अभी, और कुछ प्लांट्स निकल भी गए, ये देखो ये भिंडी निकल गई सारी, भिंडी के बीज लगाए थे शर्मा जी ने और शिवांश ने, ये देखो ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे जब ये छड़ी हटाएंगे, जब तक ये छड़ी ऐसे ही रहेंगी। और ये गेंदे लग गए, या बेल क्या की लगाई रे मम्मी, ये बेल लगाई थी, ये मुझे नहीं पता किस चीज़ की लगाई थी, ये मम्मी ने लगाई थी जब मैं महेंद्रगढ़ गई थी जब। और करेले उगा रखे हैं, अभी उगे नहीं है, किस जाने की तैयारी हो रही है? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्या? बिट्टू ने लेके एक बार चेक करवाना था। और यहाँ दोनों बच्चे ब्रश व्रश करके नहा धो के तैयार हो चुके हैं, मैं इनको बस पाउडर लगा के और इनके बालों में तेल लगा के और नैनी की चोटी करके मैं इन दोनों को भेज दूँगी खेलने के लिए दोबारा से उधर, और वहीं पर बैठ के ये स्टडी भी कर लेंगे बाकी बच्चों के साथ में, बिट्टू जैसे बैठा है वो अपने साथ करवा लेगा इनको स्टडी। और यहाँ पर इनको मैंने अनार छील के रखे थे वो भी दे दिए हैं, दोनों खाते रहेंगे साथ साथ।
और खेलते रहेंगे। और अब मैं खुद जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि अब ये ज़्यादातर जो काम होता है मेरा वो नहाने से पहले जो होता है वो हो चुका है। तो चलिए फिर इस व्लॉग का भी एंड कर देते हैं। हम मिलेंगे विद इन अ न्यू व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।